आप सभी का माय सिलेबस में स्वागत है। भारतीय डाक विभाग GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती बिहार पोस्टल सर्किल में 1940 पोस्ट की जो वैकेंसीज है उसके लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रीओपन किया है। आज हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, साथ में इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, अप्लाई कैसे करें, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, सभी कुछ संपूर्ण चयन प्रक्रिया इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो आपके माइंड में है वो इस वीडियो में मिल जाएगा। हम आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट, करंट अफेयर्स, सिलेबस सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज आई है वह इंडियन पोस्ट के बिहार पोस्टल सर्किल में। कैटेगरी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस जॉब्स है। ये पोस्ट का नाम है ग्रामीण डाक सेवक। इसमें तीन तरह की वैकेंसीज है। पहला है ब्रांच पोस्टमास्टर का, दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर का और तीसरा है पोस्टमैन का। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 1940 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल के लिए 903, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 146, OBC के लिए 510, PWD A के लिए 12, PWD B टाइप के लिए 5 और PWD C टाइप के लिए 23 वैकेंसीज है। वहीं PWD D के लिए 2 सीट्स है। शेड्यूल कास्ट के लिए 294 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 45 सीट्स है। एप्लीकेशन फ़ी यानी एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो जनरल, OBC, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मेल कैंडिडेट को केवल 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। वहीं फीमेल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को कोई फ़ी नहीं देना होगा, इनका फ़ी एग्जेम्प्टेड है। अब आइए GDS पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एज लिमिट का। तो एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल होना अनिवार्य है। वहीं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड कास्ट यानी OBC को 3 इयर्स का। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी PWD कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। PWD कैंडिडेट अगर OBC हैं तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और PWD कैंडिडेट अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो उन्हें 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट का क्लास 10th पास होना अनिवार्य है, साथ में लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना अनिवार्य है। लोकल लैंग्वेज आपके बोर्ड में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बिहार सर्किल के लिए जहां मातृभाषा हिंदी है वहां आपका सब्जेक्ट हिंदी अवश्य बोर्ड एग्जाम में होना चाहिए। साथ में हिंदी बोलना, लिखना और पढ़ना बहुत अच्छे से आना आवश्यक है। इन पोस्ट के सैलरी की बात करें यानी पे स्केल की बात करें तो मंथली सैलरी 12,000 से 14,500 तक का ब्रांच पोस्टमास्टर का और 10,000 से 12,000 तक की सैलरी असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवक का है और ये इनिशियल सैलरी है। जैसा आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने के कारण इन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है और आने वाले समय में इनकी सैलरी और बढ़ेगी। GDS के सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका सिलेक्शन टोटली क्लास 10th के मार्क्स के आधार पे ही होगा। कोई रिटन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम या इंटरव्यू आपको नहीं देना होगा। आपके हायर क्वालिफिकेशन का मार्क्स या आपका कोई एक्सपीरियंस या सर्विस नॉलेज यहां काम नहीं आने वाला है, यानी इसको कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका 10th का मार्क्स ही आपको इसमें सफलता दिलाएगा। आपका मेरिट लिस्ट जो है वो कंप्यूटराइज तैयार होगा, जो सबसे अच्छे मार्क्स होंगे उस पर मेरिट लिस्ट बनेगा। अब हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करें। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट appost.in पे जाएं, वहां पर बिहार पोस्टल सर्किल पर क्लिक करें, उसके बाद लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपने सारी डिटेल्स भरें, फोटो सिग्नेचर अपलोड करें, अपना फी पेमेंट करें, उसके बाद प्रीव्यू करके सबमिट करें। सबमिट करने के बाद PDF सेव करके जरूर रखें जो आगे आपके फ्यूचर में काम आएगा। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 14 जुलाई 2021 है। इससे पहले आप फॉर्म को अवश्य भर लें।